बात मैनपुरी की करेंगे, जिसे यूपी का यादव लैंड कहा जाता है। मैनपुरी और मुलायम दोनों एक दूसरे के पर्याय रहे। 28 साल से मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा। 1996 से अब तक समाजवादी पार्टी यहां से कोई चुनाव नहीं हारी। और जब तक मुलायम सिंह यादव जीवित रहे, मैनपुरी उनकी संसदीय सीट रही। उनके निधन के बाद डिंपल यादव यहां से 2022 के उपचुनाव में जीती थी। 2024 में एक बार फिर डिंपल यादव मैनपुरी के मुकाबले में खड़ी है। अखिलेश के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। वही बीजेपी ने मैनपुरी में अखिलेश को घेरने की तैयारी की है। योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी योगी और अखिलेश मैनपुरी में दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में भी डिंपल यादव जीत गई थी। तब से वो मैनपुरी की सांसद है। एक बार फिर से यहीं से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। 1996 से मैनपुरी गढ़ रहा है मुलायम सिंह यादव का। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, दिग्गजों का दिन रहने वाला है क्योंकि नामांकन होना है। डिंपल यादव हालांकि आज नामांकन फाइल करेंगी, लेकिन एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे मनाएगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल अर्पिता, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही मना रही है। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है यादव लैंड मैनपुरी में। आपको बता दूं, अभी अभी डिंपल यादव सबसे पहले सैफई पहुंचती हैं, जहां पर मुलायम सिंह यादव, जो कि मैनपुरी का पर्याय भी कहे जाते थे, उनके समाधि स्थल पर पूजो गई हैं, फूल अर्पण किए हैं। और उसके बाद अब डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव तीनों एक ही गाड़ी से मैनपुरी की ओर निकल चले हैं। सैफई से लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता अभी तय करना है। आपको तस्वीरें भी अगर आपको हम दिखाएं तो हम खुद अभी उनकी गाड़ियों को फॉलो कर रहे हैं। आप सामने देखेंगे तो अखिलेश यादव, जो आगे आप कॉन्वॉय देख रहे हैं, उसमें अखिलेश भी मौजूद हैं, शिवपाल भी मौजूद हैं, डिंपल यादव भी मौजूद हैं। और लगभग अभी 30 किलोमीटर का ये दायरा है, 30-40 किलोमीटर का, जिसको तय कर रहे हैं, जिसके बाद मैनपुरी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि यूं भी हो सकता था कि केवल डिंपल यादव जाकर नामांकन दाखिल करती, लेकिन क्योंकि यहां पर जो जैसा कि आपने कहा कि शक्ति प्रदर्शन की उम्मीद थी, अखिलेश यादव अपने कार्यक्रम के बीच से, यानी कि जो पश्चिमी यूपी में उनका कैंपेनिंग चल रही थी, उसके बीच से वो कल शाम मैनपुरी पहुंचते हैं और आनंद फानंद में शिवपाल सिंह यादव भी सैफई पहुंचते हैं और पूरा परिवार इकट्ठा होकर जाता। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जो कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने कल नामांकन दाखिल किया है। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम को भी यहां पर भेजा, जो कि यादव बिरादरी से आते हैं। बीजेपी ने भी एक संदेश देने की कोशिश की कि यादव लैंड केवल आपके लिए ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है। और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि सिंपैथी मुलायम सिंह के नाम पर जो पहले चुनाव उपचुनाव में मिली थी, वो अब नहीं मिलेगी, ये चुनाव मुद्दों का है। तो वहीं डिंपल यादव की अगर आप कैंपेनिंग देखें तो वो कैंपेनिंग इस बार भी मुलायम सिंह यादव के ही नाम पर हो रही है और सपा को उम्मीद है कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर ये चुनाव एक बार। तो शक्ति प्रदर्शन की आज समाजवादी पार्टी की ओर से तैयारी है। वहीं मैनपुरी से योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे मजबूत मंत्री को उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। डिंपल बीजेपी की चुनावी घोषणाओं पर सवाल उठा रही है, तो जयवीर सिंह पूछ रहे हैं, 2 साल से डिंपल मैनपुरी में क्यों नहीं नजर आई? एमपी हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, कितनी बार आई, कितना विकास का काम किया, कितना भारत सरकार का रुपया ले आई, केंद्रीय योजना स्टेट की योजना का कितना रुपया ला के दिया, कितने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में गई, कितना मैनपुरी के लिए उनका योगदान, अपने सांसद काल में मैनपुरी के लिए योगदान क्या है, उन्हें ये पूछो जो कि अपने ससुर और उस जमाने की यादें करके भला नहीं होगा। आपका भला होगा कि आपने अपने सांसद काल में मैनपुरी के लिए क्या दिया, बताएं जरा। हम लोग कह सकते हैं, पूछें 2 साल में क्या दिया, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, हर चौराहा मैनपुरी की तस्वीर बदली हुई आपको नजर आ रही है। इन लोगों का जो आचरण है, ये लोकतंत्र को पूरी तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं। इनकी जो गारंटी है वो घंटी है और लगातार इन लोगों ने घंटियां ही बजवाई है, चाहे वो थालियां हो। हमने देखा किस तरह जब कोविड टाइम्स था तो इन लोगों ने खाली थालियां बजवाई, वो भी खाली थालियां बजवाई। अब पूरा देश खालीपन महसूस कर रहा है, रोजगार नहीं है, किसान बदहाल व्यवस्था में है, वन रैंक वन पेंशन की जहां बात की गई, वहां पे जो कहा गया उसके बिल्कुल विपरीत किया गया। तो मैनपुरी में मोर्चे पर डिंपल खड़ी तो दिख रही है, लेकिन असली इम्तिहान अखिलेश का हो रहा है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए वही अहमियत रखता है जो किसी वक्त कांग्रेस के लिए अमेठी था। अखिलेश मैनपुरी की चुनौतियों पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, किसे जनता वोट करती हुई दिख रही है इस बार? देखिए, माहौल तो आप बता सकते हैं। ये वो क्षेत्र है जिसने कठिन परिस्थितियों में और राजनीतिक कुछ भी उथल पुथल हो,
लेकिन यहाँ के लोगों ने ना नेताजी का साथ छोड़ा, ना समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, और जब कभी भी चुनाव हुआ है यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को ही आगे बढ़ाया है। जो प्रत्याशी हैं उनसे जब किसी पत्रकार साथी ने पूछा तो सबसे पहले उन्होंने कहा यहाँ जीतने का क्या है, तो सपा जीतेगी। जो प्रत्याशी प्रत्याशी होने से पहले स्वीकार कर रहा हो समाजवादी पार्टी जीतेगी, और यहाँ की जनता को भरोसा समाजवादी पार्टी पर इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए काम किया है। आज जो कुछ विकास दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी सरकारों में हुआ है, इसलिए यहाँ की जनता पहले से ज़्यादा वोटों से जिताने जा रही है। बीजेपी तो अपना बताए 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश के क्या दिया है उन्होंने। सर, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको यहाँ पे प्रचार करने के लिए लगाया है। थोड़ी देर पहले आए, हमसे बात भी हुई। यादव वोट बहुत ज़्यादा है, उसी समाज उससे आते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कहीं वोट कम करना या उस पर मैनिपुलेट करना, कैसे देखते हैं आप? बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है, एक तो हम लोग जानते हैं कि डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों से उन्होंने अपनाई, लोगों को बांटो किसी भी माध्यम से बांटो, और दूसरा उनकी थ्योरी है यूज एंड थ्रो। यूज किया, काम ले लिया, उसके बाद कब फेंक दिया किसको यही नहीं पता। जहां तक उनके नेतृत्व का सवाल है, वो केवल इसलिए कि उस जाति से आते हैं, और मैंने कई मौकों पर कहा है सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो जातियां गिनते हैं लेकिन जाति गणना नहीं कराना चाहते हैं। सबका साथ तो बोलते हैं लेकिन सबका साथ में गैरबराबरी नहीं खत्म होती है। और इस बीच आपको तस्वीर दिखा रहे थे मैनपुरी की, जहां पर अपने ससुर की समाधि पर डिंपल यादव पुष्पांजलि के लिए पहुंची हैं, नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, क्योंकि उनके निधन के बाद यहीं पर उपचुनाव जीती थी डिंपल यादव मैनपुरी से। हालांकि सैफई में ये पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, जहां पर उनके ससुर मुलायम सिंह यादव की समाधि। और दिलचस्प उपचुनाव भी था नेहा, क्योंकि भाजपा उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को करीब 2,88,000 वोटों से डिंपल ने इसी सहानुभूति के आधार पर जीत उन्होंने दर्ज की थी। और एक बार फिर से वो ताल ठोकेंगी, पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं, उसके बाद नामांकन भरने जाएंगी आज। और इसको यादव लैंड भी कहा जाता है मैनपुरी को, यूं ही नहीं, ऐसा है क्योंकि यहां सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, इसीलिए यादव वोटरों के समर्थन से यहां मुलायम परिवार का वर्चस्व रहा है। इस बार मैनपुरी के मोर्चे पर बीजेपी ने मध्यप्रदेश के यादव नेता और वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रचार में उतारा, उनसे भी हमने खास बातचीत की। सर, आप मैनपुरी आए हैं प्रचार करने के लिए, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है, कैसे समझाएंगे उन वोटर्स को कि बीजेपी के लिए वोट करें? देखिए, पूरा देश मोदीमय हो चुका है, यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से 10 साल सरकार चलाई, क्या गरीब क्या अमीर, क्या ऊंचा क्या नीचा, कोई किसी जाति का हो, लेकिन सब राष्ट्रभक्ति में लीन हो गए। ऐसे में हम सबका सौभाग्य है, जो जो गढ़ थे वो पुराने जमाने की बात हो गई, अब सारे मोदीमय हो चुके हैं। सर, समाजवादी पार्टी से जो मुलायम परिवार है लगातार यहाँ से लड़ता रहा है, एक यादव समाज का काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ पे मैनपुरी में है, अभी उसी समाज से आते हैं, क्या लगता है कि क्यों अभी तक जिता के भेज रही थी जनता उनको, और अब क्यों नहीं जिता के भेजेगी और बीजेपी को वोट डालेगी? देखिए, मैंने पहले कहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनने जो आह्वान भी किया और बताया कि उनके लिए गाँव में कुल 4 ही जातियाँ हैं, यद्यपि जातिगत गणना का कई लोग आरोप लगाते कि भाजपा इस पर स्पष्ट नहीं, हम स्पष्ट हैं, हम कोई विरोधी नहीं है, लेकिन मूलतः ये बात सत्य है कि हमको गरीब, महिला, किसान, युवा, ये 4 श्रेणियों पे ही जो अगर ध्यान देते तो सारा समाज इसमें आ जाता है। काल के प्रभाव में ये जो कष्ट हुआ है जातिगत व्यवस्थाओं का, ऊंच नीच का, इसके कारण देश ने बहुत कीमतें चुकाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो भाजपा में अगर आता है और भाजपा की रीति नीति को समझता है तो निश्चित रूप से वो हमारे राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे आप जाति की बात कर रहे हैं, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तो हमारे 500 वोट भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 बार से मुझे टिकट दे रही है और मैं जीत के आ रहा हूँ, तो हमारे यहाँ योग्यता को देखा जाता है। और लोकतंत्र के लिए यही जरूरी है, हर जगह जहाँ किसी का गढ़ का बात कर रहा हूँ, हमको गढ़ के बजाय योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी योग्यता वो बढ़ के आगे देश का जवाबदारी संभाले। हमारे लिए माननीय मोदी जी की बात कर लो, मोदी जी जीवन में कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पहला चुनाव लड़े और सबके सामने चुनाव में न केवल सफल हुए बल्कि लोकतंत्र को मंदिर के रूप में स्थापित किया है।